हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों व भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति मैथ्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत साइड्स किसी ट्रायंगल की और उसके एंगल्स के बीच में जो अध्ययन किया जाता है, उनके विषय में अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं, ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द बना है ट्रिगोनोमेट्री अर्थात ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्री का अर्थ है तीन, गोनो का अर्थ है भुजा और मैट्री का अर्थ होता है यहां पर मापना, अर्थात तीन भुजाओं को मापना। किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत तीन भुजाओं का मापन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं इस अध्याय की ओर। यहां आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज दिखाया गया है जो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है इससे हम कहते हैं कर्ण, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। इसे हम बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार। परंतु ये लंब और ये आधार आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। इस भुजा को हम आधार तभी कहेंगे जब हम इस एंगल की बात कर रहे हों। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए ये आधार है, और ये यदि हम कोई दूसरे एंगल की बात कर रहे होते, जैसे इसके जैसा ही समकोण त्रिभुज ये है, इसमें हम इस एंगल पर अगर बात कर रहे हैं तो ये इस एंगल के लिए ये वाली भुजा जो होगी वो आधार होगा और ये भुजा जो होगी वो हमारा लंब होगा, और जो ये भुजा है ये वाली भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा वो हमेशा कर्ण होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कर्ण है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब और उसके साथ की भुजा आधार। या यहां भी देखें, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधार और लंब परस्पर बदल सकते हैं। हम किस एंगल पर बात कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय से आप भलीभांति परिचित हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग इस भुजा का वर्ग, अर्थात सबसे बड़ी भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में, अर्थात कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात यहां आप देख पा रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। इस प्रमेय की सहायता से हम इस प्रकार से किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दी गई दो भुजाओं में से यदि हमें तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है तो हम इसकी सहायता से ज्ञात करते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि यही हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा ये 5 सेंटीमीटर हो और लंब इसका 4 सेंटीमीटर हो, तो अगर ये भुजा आधार हमें ज्ञात करना हो तो हम इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखें कर्ण का स्क्वायर, यहां देखें ये कर्ण है तो कर्ण हमारा 5 है,
5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, मैं आधार अभी ऐसे लिख देता हूँ, और प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर 25। आधार आपका है जो आपको ज्ञात करना है, और 4 4 16 यानी कि 16, 16 इधर जाएगा, ये बचेगा, माइनस करेंगे 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 9 और ये होगा आधार का स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, आधार कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आधार आया है इस केस में, ये आया है 3 सेंटीमीटर, 5 4 3। किसी भी त्रिभुज की हम इस प्रकार से भुजा ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में जानेंगे, और हमारे पास किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी एक न्यून कोण के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ए बी व सी है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। किसी भी समकोण त्रिभुज में हमारे पास कितने, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय रेशों हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें कि आपको अभी इन्हें याद रखना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें याद रखने ही पड़ते हैं। फर्स्ट है साइन, सेकंड है आपका कॉस, थर्ड है आपका साइन कॉस टेन। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, इधर से लिख देते हैं, फोर्थ की बात की जाए तो कोट, फिफ्थ की बात की जाए सेक, और सिक्स की बात की जाए तो कोसेक। ये 6 हैं। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसी एक कोण के लिए, अब मान लेते हैं कि हम ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इस कोण ए के लिए अगर डिफाइन कर रहे हैं तो साइन जो होगा, जिस एंगल के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ एंगल लिखा जाएगा, कोस ए, इसी प्रकार टेन ए, कोट ए, और सेक ए, और कोसेक ए। अब हम किसी भी इस समकोण त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये आपका लंब है, सॉरी ये आपका कर्ण है। अब इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका आधार होगा, और ये आपका मैं कर्ण को के से लिख देता हूं, आधार को ए से लिख देता हूं। अभी ये ए तो एंगल है, ये ए आधार के लिए लिख रहे हैं, और लंब के लिए हम लिख देते हैं एल। तो अगर मैं इस साइन ए का मान ज्ञात करना चाहे तो ये एक अनुपात है इसकी भुजाओं में, इस त्रिभुज की भुजाओं में। साइन ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका जो मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस ए का जो वैल्यू होता है वो आपका आधार बटे कर्ण होता है, और टेन का जो वैल्यू होता है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोट का जो वैल्यू होता है वो आधार बटे लंब होता है, सेक का जो वैल्यू होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, सेक का जो वैल्यू होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और जिनके मान इन अनुपात के रूप में हमने लिखे हैं। साइन का जो वैल्यू है वो है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, उसका आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार अपॉन लंब, कर्ण बटे आधार, और कर्ण सॉरी ये यहां पर लंब है,
कर्ण बटे लंब। तो अगर आप देख पा रहे हूं, इसमें जो हमने टेन का, कोट का, कोस का, सेक का और साइन और कोसेक इनके साथ सामने लिखे हैं, आप देख रहे हो टेन का मान लंब बटे आधार है तो कोट का आधार बटे लंब है, अर्थात हम यहां से देख पा रहे होंगे जो पहले तीन है ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टेन कोट का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है और साइन कोसेक का उल्टा, या ये कहें साइन कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है। तो अब इन्हें याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, याद करना इन्हें आसान है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। एक टेबल आपको याद रखनी है, ये एल ए एल के ए, लाल बटे कका। तो इसके लिए ये जो यहां पर है, यहां पर है आपका साइन, साइन ए के लिए हमने डिफाइन किए थे एक कोण ए के लिए, ये है आपका कॉस, ये आपका है एन ए के लिए ही, और यहां पर आपका आएगा कॉट, यहां सेक और साइन का उल्टा कोसेक ए। अगर हमें साइन का वैल्यू लिखना है तो साइन का वैल्यू हम लंब बटे कर्ण, कोस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन का वैल्यू लंब बटे आधार, ऐसे ही कोट का वैल्यू आधार बोन लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का कर्ण बटे लंब। इस प्रकार हम इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि साइन सेक का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है और टेन कोट का उल्टा है, तो हम इनमें एक रिलेशन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन ए, किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं और उसका एक एंगल हमने ए लिया है जो कि हमने पीछे बनाया था अभी, तो साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक ए। अभी हम साइन और कोसेक के लिए बात कर रहे हैं, अगर इसी को मैं ये लिखना चाहूं कोसेक ए तो वन अपॉन साइन भी लिख सकता हूं मैं, साइन। अगर एक इस तरीके से और लिखना चाहें तो कोसेक और साइन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू वन। तो इस प्रकार हमारे एक सूत्र पूरा हो जाता है। दूसरा है कोस के लिए और सेक के लिए, कोस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक, आप लिख सकते हैं सेक ए, या सेक को अगर लिखना चाह रहे हैं सेक ए को वन कोस ए, और या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं सेक ए इंटू कोस ए। अगर सेक ए और कोस ए मल्टीप्लाई में आते हैं तो इसका वैल्यू वन होगा। अगर हम तीसरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो थर्ड हम लिख सकते हैं यहां से टेन और कोट में, टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कोट ए, या फिर हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, ये बोल सकते हैं टेन ए, टेन ए इज इक्वल इंटू कोट ए इज इक्वल टू वन। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो टेन ए इंटू कोट ए। इस प्रकार हमारे पास तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, जैसे हमने अभी तीन फॉर्मूले ड्राइव किया, एक अलग से आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये टेन ए का, टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए, और टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसी प्रकार चूंकि टेन कोट का
टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अर्थात उल्टे होते हैं, तो कोट ए का भी हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन ए। इस प्रकार हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जान चुके हैं। अगर हम ध्यान दें, ये जो साइन है या कोस है, ये साइन कंप्लीट नाम नहीं है, साइन जो है पूरा नाम है इसका साइन, और कोस का है कोसाइन, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास साइन कोस, और ऐसे अगर टेन है तो टेन का जो पूरा नाम है वो टेंजेंट है। तो साइन कोस टेन ये सब इनके पूरे नाम साइन ई है, उसके बाद में कोसाइन है, टेन का टेंजेंट है। इसी प्रकार आप साइन कोस टेन के अलावा कोट कोट कोसेक और सेक के कंप्लीट नाम अपनी एनसीईआरटी बुक से खोजने का प्रयास करें। मैं एक्सरसाइज 8.1 की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए कोस ए, और सेकंड में है साइन सी और कोस सी। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें इस प्रॉब्लम में दिया है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ए बी और सी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी 24, बी सी 7, ए बी 24, अर्थात हमारे पास ए बी जो गिवन है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम अगर साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी के वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होनी चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं यदि दो भुजाएं हमें ज्ञात हों। तो इस त्रिभुज एबीसी में चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम इसमें पीजीटी लगा सकते हैं पीजीटी थ्योरम से, पीजीटी से पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण है हमारा AC, तो हम इसे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अगर AC हमें निकालना हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब AC हमें फाइंड करना है, तो 49 7 का स्क्वायर और 576 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625 AC स्क्वायर। तो अगर AC हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट 625 या हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर सॉल्व होके आई है। अब हमारे पास किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स हैं, तो हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी इन सब के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम साइन ए का वैल्यू अगर निकालें,
साइन ए, ये एंगल ए है, इस एंगल ए पर बात हो रही है, तो अभी ये हमारा आधार होगा और ये लंब होगा और कर्ण हमारा यही होता है। तो साइन ए जो होता है, जो कि आपको बता था साइन ए का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है बीसी, कर्ण है हमारा एसी। तो साइन ए का वैल्यू, बीसी का वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और एसी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर या 7/25। इस प्रकार साइन ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यदि कोस ए का वैल्यू हमें निकालना हो तो कोस ए, कोस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो ए बी अपॉन बी अपॉन ए सी, तो ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हम साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, अभी हमें साइन सी कोस सी का वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं, तो हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सॉरी अभी जो हमने पढ़ा है वो ट्रायंगल ये पढ़ा है, ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये 90, ये ए है, ये बी और ये सी सेंटीमीटर। तो अगर साइन सी हमें लिखना है, अब हम सी इस एंगल पर बात कर रहे हैं, अब हमारे लंब और आधार बदल जाएंगे, अर्थात अब ये आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। यदि साइन सी हमें लिखना है, साइन का वैल्यू होता है आधार अपॉन आधार बटे कर्ण, तो आधार अब लास्ट में हमने, अगर आप देख पा रहे हूं, लास्ट में हमने बी सी अपॉन ए सी लिखा था, लेकिन अगर सी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण ए बी अपॉन कर्ण आएगा हमारा ए सी, क्योंकि यह अब लंब ये है यहां पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार कोस सी अगर लिखें हम आधार अपॉन आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा आएगा बी सी बटे बी सी बटे ए सी, और बी सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम, तो प्रॉब्लम सेकेंड है हमारे पास, चित्र में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। चित्र गिवन है, अर्थात हमारे पास एक चित्र त्रिभुज दिया है जिसमें जिसकी साइड पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है टेन पी माइनस कोट आर का वैल्यू। तो टेन पी माइनस कोट आर अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास इस ट्रायंगल में तीसरी भुजा भी होनी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है, तो हम इसमें पीजीटी हम समझते हैं पाइथागोरस पर में, इसमें होता है बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के, तो हम कह सकते हैं क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, तो पी क्यू का वर्ग, तो पी आर का वर्ग, पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर
और पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्यू आर अगर हमें फाइंड करना है तो 13 का स्क्वायर होगा 169, और क्यू आर हमें निकालना है प्लस 12 144। तो हम लिख सकते हैं इसे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 169 से माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, या हम ये कह सकते हैं क्यू आर जो है 5 का स्क्वायर रूट होता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारे पास क्यू आर जो साइड है वो अभी आई है 5 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं, हमें फाइंड करना है 10P माइनस cot r, 10P माइनस cot r। अगर हम 10P का वैल्यू देखें, क्योंकि आपके लिए मैं बता देता हूं, हमने एक ट्रेंगल एक टेबल बताई थी जिसमें LA LK KA लिखा था हमने। तो अगर मुझे 10P का वैल्यू लिखना है तो लंब बटे आधार होगा, और P के लिए अगर P की बात कर रहे हैं हम इस वाले एंगल की, तो P के लिए ये आधार होगा और ये आपका लंब होगा। तो लंब आपके पास होगा QR, यहाँ पे लिखेंगे QR अपॉन कर्ण हम सॉरी लंब बटे आधार, आधार हमारे पास है PQ माइनस। इसी प्रकार अगर कोट आर का वैल्यू लिखना है तो आधार बटे लंब। अभी आर के लिए आधार इस आर के लिए आधार क्यू आर होगा, तो ये होगा क्यू आर अपॉन आधार बटे लंब, लंब पी क्यू होगा इसके लिए पी क्यू। ये क्यू आर का वैल्यू हमारे पास है, क्यू आर का वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो 5 अपॉन 12, इसी प्रकार क्यू आर का 5 अपॉन 12, ये कैंसिल विद दिस, तो इक्वल टू 0। तो 10P और कोट आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है निकल के, माइनस करके 0। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, तो थर्ड प्रॉब्लम है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का वैल्यू है और हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन, देखते हैं हम इसका। गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, चूंकि एक अनुपात है तो हम एक भुजा ये है एक भुजा ये है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि अगर मैं आपके लिए लिखता हूं LA LK KA, इससे हमने बताया था कि ये साइन का रेशो है, ये कोस का, ये टेन का। हमारे पास साइन गिवन है तो लंब बटे कर्ण, अर्थात ये लंब है और ये कर्ण है। 3 ना होकर इसके साथ कोई भी संख्या हो सकती है, तो वो संख्या हम एक मान लेते हैं। तो हम यहां से ये कहेंगे कि ये आपके लिए लिखते हैं, माना लंब कितना है 3 है, इंटू में हमने 1 माना हुआ है, हम कोई संख्या भी ले सकते हैं के या एक्स, इंटू में 1 मान लिया। और कर्ण कितना है आपका यहां पर 4। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए है यहां और बी और सी, ये ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ए के लिए लंब हमने 3 निकाला है, तो ए के लिए लंब ये वाली साइड होगी, ये 3 होगा, इंटू में 1 है। इसी प्रकार बीसी जो होगा, बीसी है हमारे पास, सॉरी बीसी नहीं है, कर्ण है, कर्ण कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है जो कि हमें चाहिए होगी, क्योंकि हमें कोस निकालना है तो आधार और कर्ण चाहिए होगा,
और टेन निकालना है तो लंब और आधार चाहिए होगा, तो आधार हम ज्ञात कर लेते हैं इससे, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी हमने 90 डिग्री माना है, तो पीजीटी कहती है कि कर्ण का वर्ग अर्थात एसी का वर्ग, तो एसी का वर्ग एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के इक्वल होगा। एसी हमारे पास है 4 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी हमें ज्ञात करना है जो कि इस त्रिभुज में हमारे लिए आधार है, और बी सी है 3 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 9 अर्थात 7 ए बी स्क्वायर। ए बी अगर निकालते हैं अंडर रूट 7, तो ए बी हमारे पास अंडर रूट 7 है अर्थात ये भुजा हमारे पास अंडर रूट 7 है। तो अब हमें कोस ए का वैल्यू निकालना है, तो कोस ए जो हमें फाइंड करना है, कोस ए इक्वल टू, कोस ए का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास है यहाँ पर ए बी और कर्ण हमारे पास है ए सी, तो अगर हम ए बी को ए बी लिखें वो है रूट 7 और कर्ण है हमारे पास 4, तो इस प्रकार हम ये कोस का वैल्यू निकाल लेते हैं। और हमें टेन का वैल्यू भी निकालना है, तो टेन ए इक्वल टू, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास है बी सी और आधार हमारे पास है ए बी, तो टेन ए की वैल्यू हो जाएगा बी सी 3 और ए बी है अंडर रूट 7। जैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात गिवन था, ये कोस और टेन हमें निकालने के लिए दिए थे, इसी प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ होगा और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अब अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो उससे आप दो भुजाएं प्राप्त कर लेंगे और उससे तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे पीजीटी से, और उसके बाद हम क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा वो फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, प्रॉब्लम 4 है, यदि 15 cot A is equal to 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है गिवन है 15 cot A is equal to 8, तो यहां से हम cot A फाइंड कर सकते हैं 8/15, क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से याद करते थे हम एल ए एल के ए साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब, कोट का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, अर्थात ये हमारा आधार हुआ और ये हमारा लंब हुआ, तो आधार और लंब है, तो यहां आधार हमने 8 और लंब 15, हालांकि हमें यहाँ 8 के या 15 के मानना चाहिए, कोई एक अनुपात के साथ एक नंबर मानना होता है, उसके लिए हमने उसे 1 माना हुआ है यहाँ पर, तो फिलहाल हमारे पास आधार 8 है और लंब 15 है, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें एंगल ए के लिए हमें काम करना है, और ये वाली भुजा जो होगी वो आधार होगा और ये वाली जो भुजा होगी वो हमारा लंब होगा, तो लंब हमारे पास है 15 और आधार हमारे पास है 8, तो अभी ये भुजा हमारे पास नहीं है अर्थात कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 है, तो पीजीटी से हम लिख सकते हैं इसे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी हमें निकालना है, ए बी हमें गिवन है 8 स्क्वायर
और बीसी हमें गिवन है 15, तो 8 एट जा 64, 225 यानी कि 225, और इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 549 82 289, अर्थात हमारे पास एसी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 289। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो एसी इज इक्वल टू 289, इसका मतलब ये हुआ एसी हो जाएगा, ये 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड हमारे पास 17 है। अब हम इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम साइन ए और सेक ए के मान लिख सकते हैं। साइन ए, अगर साइन ए आपको याद हो तो लंब बटे कर्ण हुआ करता था, तो लंब बटे कर्ण, और लंब आपका इस ट्रायंगल में है बीसी और कर्ण आपका है एसी, तो बीसी हमारे पास है 15 और एसी हमारे पास आया है 17, तो साइन ए, तो इस प्रकार साइन ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक ए जो होगा वो कोस का उल्टा होता था, तो कर्ण बटे आधार हम लिख सकते हैं इसे, कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमारे पास है एसी और आधार हमारे पास है बी ए या ए बी, इसका वैल्यू है 17 और ए बी का वैल्यू हमारे पास है 8, तो इस प्रकार ये सेक का वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें गिवन है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, इसका गिवन है, दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, क्योंकि फिर वही हम अगर लिखना चाहें एल ए एल के ए लिखते थे, साइन कोस, कोस और कोस का उल्टा होता है sec, तो कर्ण बटे आधार, अर्थात ये हमारे पास क्या होगा कर्ण और ये हमारे पास क्या होगा आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हम कह सकते हैं कि 13 और आधार हम कह सकते हैं 12, हालांकि हमें यहां पर कांस्टेंट मानना होता है जो हमने 1 माना है। अब इससे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और थीटा को हम यहां रख लेते हैं, इस एंगल पर थीटा ये है, इस थीटा के लिए ये हमारा क्या होगा आधार और ये क्या होगा हमारा लंब, तो अभी और कर्ण ये होगा, तो कर्ण हमें गिवन है 13 और आधार हमें गिवन है 12, इसमें भी हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है, तो तीसरी भुजा हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही पीजीटी से ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, तो पीजीटी से ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी हमारे पास है 13 और ए बी हमारे पास है 12 का स्क्वायर और बी सी हमें फाइंड करना है, तो 169 13 का स्क्वायर 12 का 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं यहां से बी सी लिखना चाहूं तो बी सी में लिख सकता हूं बी सी स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या मैं कह सकता हूं जो बी सी निकलेगा अंडर रूट 25 या 5, तो बी सी हमारे पास अभी जो हमने फाइंड किया है वो है 5। अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं हमें, तो सबसे पहले हम साइन लिख देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास अभी लंब है हमारे पास 5 और कर्ण है 13,
5/13। कोस अगर लिखना है कोस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास है 12 और कर्ण है 13, या हम ये कह सकते हैं सेक का उल्टा होता है कोस, तो 12/13 कोस आ जाएगा साइन कोस। अब 10 लिखते हैं, 10 थीटा, लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास 5 और आधार है 12, 5/12 साइन कोस 10 कोट, कोट थीटा, कोट थीटा हमारे पास है आधार बटे लंब, या फिर ये कह सकते हैं 10 का अपोजिट उल्टा रेसिप्रोकल 12/5 साइन कोस 10 कोट सेक, पहले से गिवन है सेक, पहले से गिवन है, तो कोसेक बचा हमारे पास कोसेक थीटा, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, या फिर ये कहे साइन का अपोजिट, तो 13/5। तो इस प्रकार ये हम यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि हमें गिवन है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो कोस ए और कोस बी दिया है, तो ये शो करना है किसी त्रिभुज में। तो सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज हमने ये बनाया जिसमें एंगल बी और एंगल ए ये दोनों न्यून कोण है और एंगल सी 90 डिग्री है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोस ए बराबर कोस बी हो तो एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो सॉल्यूशन के लिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी, चूंकि कोस ए बराबर कोस बी गिवन है, हम जानते हैं एल ए एल के ए से आधार और बटे कर्ण, ये हमारा कोस का वैल्यू होता है। अगर हम कोस ए के लिए ले तो ये हमारा आधार होगा, तो कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार ए सी, इसे हम लिखेंगे ए सी बटे कर्ण है हमारा ए बी, तो ए सी बटे ए बी। और इसी प्रकार यदि कोस बी के लिए बात की जाए, तो कोस बी के लिए अब आधार ये होगा, तो बी सी बटे कर्ण ए बी, चूंकि ए बी से ए बी कैंसिल होगा, तो ये बचेगा ए सी बराबर बी सी, चूंकि ए सी बराबर है बी सी के। चूंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में उसकी दो संगत भुजाएं बराबर है, तो उनके संगत को दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम परमे से कह सकते हैं एंगल बी बराबर होगा एंगल ए के। यही हमें प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, प्रॉब्लम 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो ए है 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ) इसका वैल्यू निकालना है, और बी पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इन दो पार्ट्स में हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा बराबर 7/8 हमें गिवन है, तो इससे पहले ट्रायंगल बनाकर साइन और कोस के वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कोट 7/8 हमें गिवन है, तो चूंकि हमें याद होता है ये एल ए एल के ए आधार बटे लंब, यानी कि ये हमारा आधार है और ये लंब है, मैं लिख देता हूं इसे हल्का सा, आधार और लंब। अब हम इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे और उससे साइन और कोस के वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ये, तो कोट थीटा
थीटा को अगर आप यहां ले लेते हैं तो ये अब आपका आधार होगा और ये आपका लंब होगा, और कर्ण आप हमेशा जानते यही होता है। तो कोट थीटा बराबर 7/8, तो आधार है 7 और ये है हमारा 8। तो पहले हम इस कर्ण को निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री है, तो पी जी टी से अगर हम लिखें ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपका निकालना है और ए सी आपको दिया हुआ है 7 और बी सी आपको दिया हुआ है 8 स्क्वायर, 749 और 8 का 64। अभी ने ऐड करें अगर 9 4 13 का 3, 6 4 10 और 11 113, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आपके पास आ गया 113। तो ए बी कितना आएगा, अंडर रूट 113। चूंकि आपको इनका वैल्यू निकालना है तो साइन निकाल लेते हैं पहले, यानी कि ये आपके पास आ गया अंडर रूट 113। अगर मैं पहले साइन लिख लूं, साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 8 और कर्ण है अंडर रूट 113, तो 8/√113। और इसी प्रकार अगर मैं कोस भी लिख लूं, कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास इस कोस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार है 7/√113। तो इस प्रकार हम साइन और कोस निकाल चुके हैं। अब इस पार्ट को हमें पहले पार्ट को सॉल्व करना है, तो ए पार्ट के लिए 1 + sin θ, 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ और 1 - cos θ। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, 1 + sin का वैल्यू है हमारे पास 8/√113 और 1 - 8/√113, ये हमने ऊपर लिखे और हर में 1 + cos का वैल्यू हमने निकाला 7/√113 और ये भी हो जाएगा 1 - 7/√113। अब जब हम इनका एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि ये सर्वसम्मिका आप जानते हैं a² - b² a + b और a - b, इसका यूज हम यहाँ करेंगे। ये पार्ट हमें दिया हुआ है ये लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो ये होगा 1 - 64/113 और 1 - 49/113। यहां सॉल्व कर लेते हैं, 113 - 64 49/113 और 113 - 49 64/113। 113 से 113 माइनस होगा तो 49/64। तो इस प्रकार हम पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, क्योंकि कोट थीटा का वैल्यू 7/8 गिवन है, तो कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट है, कोट स्क्वायर थीटा,
क्योंकि कोट का वैल्यू 7/8 गिवन है आपको, इसका स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49 और 8 × 2 = 64। तो इस प्रकार सेकंड पार्ट भी आप इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम 8। यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 − 10² / 1 + 10² = cos² − sin² यानी कि हमें दिया हुआ है 3 cot A = 4 और जांच करनी है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं। यानी कि इस कोट से यदि टेन और कोस के वैल्यू निकालें और इस वाले पार्ट को सॉल्व करें पहले और फिर इस वाले को सॉल्व करें, LHS और RHS को, दोनों इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। तो सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन में गिवन हमें है 3 cot A = 4, तो यहां से हम cot A लिख सकते हैं 4/3। फिर वही LAL KKA से आप देख सकते हैं cot A का वैल्यू आधार बटे लंब, यानी कि ये आपका आधार और ये आपका लंब, तो आधार और ये लंब, और 4 ही हमने इसलिए मान लिया क्योंकि डॉट इनटू में इसके साथ हमने 1 माना है। तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाया हमने और ये एंगल A यहाँ लिया हुआ है, तो इसके लिए अभी ये आपका क्या होगा आधार, ये क्या होगा आपका लंब, और ये आपका होगा आधार ये। तो इसके लिए ये आ जाएगा 4 और लंब आपको दिया निकाल लेंगे आप 3। तो कर्ण आपके पास नहीं है तो कर्ण आप निकालेंगे। त्रिभुज ABC में PGT से एंगल भी 90 ही है और 90 है तो AC का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अभी मैं ये लिख नहीं रहा हूं, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 25 और 25 का AC कितना, ये तो AC स्क्वायर का वैल्यू है तो AC कितना आएगा 5। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारे पास है 5। इसी से हम अगर हम साइन A लिखना चाहें तो साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, तो 3/5 साइन लिखा। और कोस अगर लिखना चाहें तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी कि कोस थीटा बराबर A, कोस A बराबर 4/5। तो अब इसके बाद हम इसे इसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो LHS सॉल्व कर लेते हैं पहले। LHS गिवन है 1 − 10² A / 1 + 10² A। तो चूंकि 10 का वैल्यू कहां से रखेंगे, 1 − 10 जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, चूंकि कोट का वैल्यू 4/3, तो यहां हम रखेंगे 3/4 2 + 3/4 2। अब इसे सॉल्व करें तो 1 − 3 = 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 1 + 3 = 9 और 4 × 4 = 16। एलसीएम लेंगे, इस 16 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 16 − 9 यानी कि 16 में से 9 माइनस जाए होंगे तो 7/16 और 16 + 9 यानी कि 25/16, 16 से 16 कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/25। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। RHS में RHS है cos² A − sin² A, तो का वैल्यू है हमारे पास 4/5 − 3/5² ये होगा 16/25 − 9/25
जब 25 सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 25 और 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो आप देख रहे होंगे LHS का वैल्यू था 7/25 और यहाँ भी 7/25, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सो LHS बराबर RHS, यानी कि जो गिवन है ये सत्य गिवन है, यानी कि ये जांच कीजिए कि ये बराबर है या नहीं, तो आप कह सकते हो कि ये बराबर पार्ट है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट है इसका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब चूंकि हमें गिवन है तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्यूशन में हम करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए बराबर 1/√3, तो चूंकि हम जानते हैं टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब इसका 1 होगा और आधार इसका √3 होगा, तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें कोण ए ये है और बी हमने 90 डिग्री बना दिया, तो टेन ए में लंब बटे आधार, लंब हमारा है 1, तो 1 मान लेते हैं इसे, इसके साथ में इनटू में 1 माना है क्योंकि ये अनुपात है, और ये हमारा है √3, तो इसकी थर्ड साइड चाहिए हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में पीजीटी से तो लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। एसी जो है हमारा हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 और ये होगा 3 यानी कि 4, और एसी स्क्वायर इजक्वल टू 4, तो एसी आपका कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार ये जो साइड आई है हमारी 2 आई है, तो इससे हम, चूंकि हमें इस क्वेश्चन में साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी इन सब के वैल्यू चाहिए, तो हम एक एक करके इनके लिख लेते हैं। साइन ए, अगर आप जानते हैं एल ए, एल से मैंने आपको याद कराया था, के ए से, ये साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन ए के लिए अगर ए है तो लंब अभी ये है ए के लिए, सॉरी लंब ये है ए के लिए और आधार ये है, तो लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 1/2, तो साइन ए का वैल्यू होगा 1/2। ऐसे ही कोस सी चाहिए आपको, तो कोस सी के लिए अगर कोस सी को देखें, सी यहाँ है और कोस का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2, साइन ए कोस सी। इसी प्रकार हम साइन सी और कोस ए भी निकाल लेते हैं, तो साइन सी अगर लिखें हम, अब साइन ये है सी के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब इस सी के लिए ये होगा √3/2, √3/2, और कोस ए अगर कोस ये है और आधार बटे कर्ण होगा तो √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये चारों मान निकालने के बाद अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करें तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, इन सब के चारों के वैल्यू हम यहाँ रख दे, इसमें हम साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी के मान रखेंगे, तो साइन ए का वैल्यू जो है 1/2 है और इसका कोस सी का वैल्यू भी 1/2 है। अभी इसी प्रकार कोस ए का वैल्यू √3/2 और इंटू √3/2, जब इसे सॉल्व करेंगे हम 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम आएगा 4 और 3 और 1 4, तो इस प्रकार इसका वैल्यू आ जाता है 1। और सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कोस ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3/2 और कोस सी का वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू है √3/2। ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इस प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि किसी एक त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण दिया और दो भुजाओं का योग है 25 और एक भुजा है 5, तो तब इनके मान निकालने हैं। क्योंकि अगर हम मुझे साइन पी लिखना है या कोस पी निकालना है टेन पी, तो साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन का वैल्यू लंब बटे आधार, ये सब वैल्यू हम हमारे पास, यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो लेकिन हमें जो गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ये है और इसमें एंगल क्यू कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है और पी आर प्लस क्यू आर, पी प्लस क्यू आर यानी कि इस साइड का और इस साइड का सम गिवन है। अगर मैं इस साइड को एक्स मान लेता हूं तो ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी, अब देखो अगर पी आर को चूंकि गिवन है, सॉल्यूशन में लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट पी आर को मान लेते हैं, पी आर कितना है एक्स मान लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे एज्यूम कर लिया पी आर जो है एक्स है, तो अगर ये एक्स है तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये एक्स सेंटीमीटर है और ये इतने सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड जो पी क्यू दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ये एक्स और ये साइड दोनों होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में पीजीटी से पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कर्ण का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 25 माइनस एक्स का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50 एक्स, अभी ये हो जाएगा 650, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 50 को इधर ले जाते हैं 50 एक्स बराबर 650 और 50 से इसे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13, x कितना है हमारा 13, ये 13 है, ये थोड़ा पास हो गया 13 सेंटीमीटर, तो अगर x 13 सेंटीमीटर है और तो ये क्यू आर कितनी होगी, तो पी आर आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर और क्यू आर जो आ जाएगी 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13 अर्थात 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, तो ये होगी हमारी 12 और ये होगी हमारी 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्योंकि अब हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कहाँ कितना होगा यहाँ आर के पी के लिए, पी के लिए लंब जो होगा ये होगा 12, तो 12 बटे कर्ण 13, तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें निकालना है कोस पी, तो कोस पी के लिए पी यहाँ है हमारा ये और इस पी के लिए लंब आधार जो होगा वो 5 होगा, तो 5 अपॉन आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, और इसी प्रकार थर्ड इसमें जो पूछा है वो टेन पी को पूछा है, टेन पी होता है लंब बटे आधार होता है, लंब लंब है हमारा पी के लिए, पी के लिए लंब है 12 और आधार है हमारा 5, तो इस प्रकार हम टेन पी, कोस पी और साइन पी को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, जिसमें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण भी बता, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, अब इसे अगर हम समझे ये सत्य है या असत्य है, पहले आप समझ लेते हैं, क्योंकि टेन ए जो होता है, अगर टेन ए को देखे लंब बटे आधार होता है और इसने कहा कि सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम तो तब होता जब ये
आधार लंब से छोटा होता, लेकिन अब ये सदैव तो नहीं है, तो ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आधार कभी छोटा भी होगा और कभी बड़ा भी होगा, यानी कि आधार बड़ा भी हो सकता है लंब से और लंब बड़ा भी हो सकता है आधार से, तो दोनों ही केस में वन से कम तो नहीं होगा, तो इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5, चूंकि सेक का वैल्यू एल ए एल के ए, उसने कहा है सेक, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सेक का जो वैल्यू होता है, सेक का जो वैल्यू होता है सेक, वो होता है कर्ण बटे आधार, और इसमें कर्ण बड़ा ही दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो सकता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट पार्ट है, कोस ए को कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस है ऐसा ये कह रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि कोसाइन कोसाइन के लिए होता था संक्षिप्त रूप कोस, और इसमें जो कोसेकेंट दिया हुआ है ये कोसेक के लिए है, कोसेक के लिए, कोसेक, तो कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है ये, तो इसलिए ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, क्योंकि जो जैसे हम साइन ए और या कोस ए ये लिखते हैं, ये जो एंगल है इसके बिना इस कोस का कोई महत्व नहीं है, ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, न कि इनके गुणा में, तो ये भी असत्य है। किसी भी कोण ए के लिए साइन ए बराबर 4/3, क्योंकि साइन का वैल्यू अगर आप देखें, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए के लिए होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण किसी भी त्रिभुज में, कर्ण जो होता है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, तो अर्थात साइन में हमेशा जो ये पार्ट होगा ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये संभव है, या ऐसा कह सकते हैं कि साइन का मान एक से कम होगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक से ज्यादा आ रहा है, अर्थात यहाँ पर अगर आधार लंब की बात करें तो लंब है इसमें 4, और कर्ण कितना आ रहा है अगर इससे देखा जाए तो कर्ण का मान आ रहा है 3, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये 4 और 3 है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं, कर्ण मतलब ये वाला पार्ट इससे छोटा नहीं हो सकता, या ऐसा कहे साइन का मान सदैव एक से कम होता है, और लेकिन यहाँ सदैव यहाँ आ रहा है एक से ज्यादा, तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।